क्या बताऊँ, मेरी नींद उड़ गई है। मुझे बहुत गंदी वाली नींद आ रही थी क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से जग रही थी, 3-4 दिन से कंटिन्यू मेरा जगना हो रहा है। मुझे नींद भी आ रही थी, सडनली मैंने अपना फ़ोन उठाया क्योंकि मेरा आदत है फ़ोन उठा के एक बार आईडी चेक करने की, मतलब छेड़ने की अपनी आईडी को, सबकी आदत होती है मेरी भी है। मैं जैसे अपनी आईडी खोली ना, मेरी आईडी मुझे शो नहीं हो रही थी। सो ओके गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग सिद्धूडेरा। सो गाइस, मैं आ चुकी हूँ मामा के घर पे। यहाँ चुगली बतला रही है, आओ सकी चुगली करें, और दूसरे यहाँ पे चुगली बतला रहे हैं, आओ सकी चुगली करें, आलू छिलेंगे साथ साथ। हैप्पी बर्थडे जी, मैं बर्थडे मार आई बस। कोई बुलाता तो जब बुलाता है कोई इतना मैं देखूं जाएगा ना, पता ही पता मिल जाएगा मीडिया बना रहे हैं। तो गाइस, आज मामा जी के घर पे है जागरण, हम जागरण में आए हैं, और मैं वही मैसेजेस आकर नेक्स्ट डे मैं घर आ गई थी और मैं सीधे यहाँ पे आ गई हूँ। और आज तारीख है 15 और मैं जस्ट अभी आगे बढ़ रही हूँ रात को है घर में 4 बजे ऐसे ही है। कह रहे तेरे मेहतार को तो कल घर छोड़े डोला है। कौन? मैं तो घूम रही नाइकी तो हम बढ़ जाते आके हम नाइकी गाइस, अगर नाइकी चाहिए तो ले लो एक आगे। नाइकी तो मैं बढ़ जाती आके नाइकी नो पैसा बड़ी अब करो बड़ी दोबारा जो तो नाइकी पैसा देती नाइकी हम दे देते, हम कल्लू की जगह बुला लगा देते। हम बखत आ गई और कितनी बखत लोगी तेरी तो ये पता ही ना। हाँ शुक्र समझ आ गई आई नही, मैं लेकर आई जबरदस्ती आ न रही। हाँ मैं लेकर आई, मैं कह रही मैं ना जा रही, जाओ चाय बना दो अरे ब्लॉग में बेचती मनवा रही है ओला करके ले तो चलो गाइस करते हैं कंटिन्यू। अरे तेरा तोरई मेल फाड़ दिए क्यों भैया जी, ये तो आते नहीं लड़ने लगे। ये देखो ये तोड़ रहे हैं तोरई, वहाँ पे रखी भी है। सो ये देखा इस तोरी कुछ ये हमारे तोर, सुनो ये हमारे तोरी तुम ही ले जाओ, का सारी ना बीज तुमने दिया। कितनी तो ऐसी पकी पड़ी है, हम तो और भी लगा बुलावा होगा सारा। मेरी तो बैठी है भेजो छोटी सी बुलाए लगा, छोटी सी लगाए बड़ी थोड़ी ना लगाऊं जो मोटा हो रहा है। अरे छोटी सारी मोटी हो रही है, सूट आ रहे हो सब्जी बनाएंगे सारे मिल के, देखो मजाक कर रही है वहाँ पे। ठीक है मैं करूँ ना, मैं भी कर लूँ तू कर ले। गैस ना आ गया तेरे अंदर में, बीबी कल ना तोड़ा, आज ही तोड़ेगी, कल किसने देखा आज ही आज देखो चल भी चाय बना ले। देखो मेरे हाथ कितने गर्म हो रहे हैं, भागो भागो भाई दिन से कुतिया वादिन तोड़ दे ये नरेंद्र ये भावा जाए। दूसरी बात तो आते नहीं चालू हो गई, अब का नीचे कूदोगी। हाँ भाई बहन से पूछो
आपको खुद कबाड़ ना मेरे मैं तो आगे देख वो ना पता अरे वो दिक्कत हो जाते ना बड़ा वाला भी आया बड़ी वाला भी आया तो बड़े वाले वाले में दिक्कत है दिक्कत नहीं है काम कितना तुम देखो आराम से की अभी तो बहुत रह रहे हैं बड़े में आ जाएंगे बड़े में आ जाएंगे हम सारे यह के भी हम आएंगे ए तू यह शर्ट प्रेस क्यों ना करता रहे प्रेस क्यों ना करे चल भाई लगा सो गाइस चलो बोर्ड में कंटिन्यू करते हैं चाय पी लेते हैं चाय पीने से कंटिन्यू करेंगे चलो दिखाओ रे पहले खीर डालते ना कोई दिक्कत ना मैं ले आ रही हूँ खीर पूरी खानी है नहीं खानी ले बाबू इन पूरी रखती रही तू तो बाबू तू क्या करेगी दो दो पूरी दर्द है भाई तुम दोनों बहन कौन चोर हो दिक्कत होगी तो मैं नहीं पाती तो गए जी प्राणी बैठ के सारे नीचे खाना खाना खा रहे इसने मुझे छुपा लिया खत्म होगा तो सबसे पहले लेनी मोइने इतना सारा भर रखा है मैंने खा दिया गए जी हम खाना खा रहे हैं ये दोनों पुरानी खाना खा रही है मैंने कहा तो पराजो ऊपर नहीं आई पर दोनों सुगल ने खाना खाने देते हैं उन्हें खाएंगे नहीं ना मैं क्या बताऊँ अभी मेरे साथ क्या हुआ मैं मामा घर आई जागरण में जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ब्लॉग में बोला था शायद मेरी आवाज़ ना आ रही होगी प्लीज़ वो मत करना भी क्या बताऊँ मेरी नींद उड़ गई है मुझे बहुत गंदी वाली नींद आ रही थी क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से जग रही थी 3-4 दिन से कंटिन्यू मेरा जगना हो रहा है मुझे नींद भी आ रही थी सडनली मैंने अपना फ़ोन उठाया क्योंकि मेरा आदत है और उठा के एक बार आईडी चेक करने की मतलब छेड़ने की अपनी आईडी को सबकी आदत होती है मेरी भी है मैं जैसे अपनी आईडी खोली ना मेरी आईडी मुझे शो नहीं हो रही थी मतलब एकदम खोली तो जैसे हम स्टोरी वगैरह लगाते मुझे ऐसा कुछ शो नहीं हो रहा था उसमें पता नहीं इसमें क्या हुआ एकदम और सडनली एकदम आईडी गैप समझ सकते हो मेरी जमीन खिसक गई पैरों नीचे से यार के और क्या हुआ मुझे मेरी आईडी मेरे फ़ोन में शो नहीं हो रही है मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा मुझे बहुत गंदा लग रहा है पता नहीं क्या हुआ मुझे फील अच्छी नहीं आ रही है बहुत गंदी आ रही है क्योंकि मेरे पास मेरी आईडी नहीं है मेरे फ़ोन मेरी आईडी नहीं होती है मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता और अब मैं इनके पास फ़ोन कर रही थी क्योंकि मेरे पास में अगर सब कुछ इनके पास है बट 12:30 हो रही है अपना फ़ोन स्विच ऑफ करके सो जाते हैं तो इनका फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा है और मुझे ऐसे लग रहा है मैं रात को ही घर भग जाऊँ इनसे कहूँ यार एक बार मेरी आईडी चेक करो ना क्या हुआ इसमें वो मेरे फ़ोन में नहीं वैसे शो हो रही है अपनी दूसरी वाली आईडी से चेक किया तो उसमें अभी तक तो शो हो रही है अभी तक टच वो प्लीज़ शो ही रहे और मेरी आईडी वापस आ जाए जागरण में आने के बाद तो पता नहीं मुझे अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा प्लीज़ मेरी आईडी वापस आ जाए मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी मैंने बहुत 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 मेहनत से अपनी आईडी बनाई है
अगर वो आईडी नहीं आई तो सच्ची में पता नहीं, ये सी भी एक आईडी नहीं है, मेरे लिए बहुत कुछ है। मेरा ब्लॉग बनाने का मन भी नहीं है, 1% का मेरा मन नहीं कर रहा ब्लॉग बनाने का, क्योंकि आईडी नहीं होगी तो मेरा तो कहीं मन नहीं लगेगा, ना तो मेरा यूट्यूब पे मन लगेगा ना मेरा कहीं लगेगा, क्योंकि मुझे मेरी आईडी पहले मेरे फ़ोन में जब तक शो नहीं होगी ना मुझे बहुत गंदी वाली फीलिंग रहेगी, तो सुबह होंगे कब मैं भागूंगी घर के लिए, सबसे पहले जाके घर जाके अपनी आईडी इनसे प्लीज़ आईडी आ जाए, कुछ अच्छा नहीं लग रहा इस टाइम, कुछ पी एक्स वाई जेड करती हूँ गाइस, थोड़ी देर में कंटिन्यू करना। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, हो चुके सुबह, टाइम हो रहा है 7:30, अब हमारी तैयारी हुई चलने की, अब घर चलते हैं, और जैसे कि मैंने आपको बताया था आईडी तो मेरी आई नहीं है अभी तक, पता नहीं कहाँ चली गई, बताऊँ ना मैं, मतलब उस आईडी को मैं छेड़ भी क्या रही थी, बस ऑन ही किया था, इससे पहले मैं इसे चला रही थी तो ओके था, और सडनली जैसे मैंने इसे दोबारा 2 मिनट बाद ऑन किया, कुछ 12 बजे की बात है ना, 12:10-15 की ऐसी कुछ बात है, मैंने जैसे आईडी को खोला वैसे ही आईडी एकदम शो नहीं बंद हो गई, मेरे सामने गायब हो गई थी, सबको तो शो हो रही है बट मुझे भी शो तो हो रही है लेकिन मेरे फ़ोन में नहीं है वो, अब ना तो मुझे इसका आईडी पासवर्ड पता, मैंने 2-3 घंटे कोशिश भी पूरी कर ली, सब कुछ कर लिया, मेल भी डाल ली, सब कुछ कर लिया मैंने उसके अंदर आईडी के अंदर, पर मुझे मेरी आईडी वापस अभी मेरे फ़ोन में नहीं आई है, देखते हैं अब 1% जो उम्मीद है मुझे वो अपने हस्बैंड से, रात मैंने फ़ोन किया था जब दो सो रहे थे, फ़ोन स्विच ऑफ था, मैसेज डाल दिया है, अब जब भी उठेंगे मैसेज देखेंगे, जब मेरे पास कॉल करेंगे फिर देखते हैं क्या करना है, फिर मेरा मन नहीं लगा जागरण में, मुझे ऐसे लगने लगा बस आईडी यार पता नहीं कैसे आएगी, उम्मीद मुझे सिर्फ 1% फिर मैंने पूरी कोशिश कर ली हर तरीके से कि मेरी आईडी वापस आ जाए, पर मुझसे नहीं हुआ, आई नहीं, पहले भी मेरे साथ हुआ था बट ऐसे नहीं होता जैसे अब गई है, पहले तो मतलब मुझसे डिलीट हो गई थी वो गलती से, तो डिलीट में इशू नहीं होता, लेकिन आईडी एकदम सामने से गायब हो जाना उसमें इशू है, कि मुझे नहीं पता हुआ क्या है क्या नहीं हुआ उस आईडी के साथ, मैं नहीं जानती हूँ, अब देखते हैं कि टचवुड भगवान प्लीज़ मेरी आईडी वापस आ जाए, नहीं है तो हकीकत में मैं बता नहीं सकती, सब कुछ है यार, आईडी नहीं है वो सिर्फ एक, बहुत कुछ है मेरे लिए वो, तो चलो घर चलते हैं फिर देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना, अब तो मेरा हाल गंदा वाला हो रहा है, मेरा फेस भी अजीब सा हो गया क्योंकि मैं पूरा टेंशन में हूँ, चलो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं, क्या होता है क्या, प्लीज़ आईडिया आ जाए वरना, तो चलो करते हैं कंटिन्यू बाद में। सो गाइस, मैं घर पहुँच चुकी हूँ, मेरा चैनल पे कल अजीब सा लग रहा है, और मेरी आईडी वापस आ गई है, मैं बहुत मुश्किल से आई मेरी आईडी वापस, मतलब सब वो इन्होंने बताया था सब कुछ हो रही थी बट मुझे नहीं हो रही थी आईडी, मुझे नहीं पता ये कैसे गई थी, लेकिन फिर मैंने बताया था ना कि मैं अब लास्ट ऑप्शन मेरे पास जो है वो यही है कि यार मैं इनके पास फ़ोन करूँगी, इनका फ़ोन ऑन हुआ था 8:30 जब मैंने उनको बताया कि यार मेरी आईडी वापस नहीं आ रही है, मतलब मैंने कोशिश कर ली और आईडी एकदम ही गायब हो गई है, तो उनका तो मुझे टाइम दे मैं चालू करता हूँ, 1 घंटे बाद कॉल आई, इन्होंने मुझे जब बताया कि इस वजह से करके चालू कर हो जाएगी, मैंने क्या होगी कह रही थी ना ऑप्शन मेरे पास यही है कि मैं कोशिश कर लेती हूँ, मुझसे नहीं होता फिर मैं इसे कहती हूँ और कर लो कि कर देते हैं, और फिर मेरी सब कुछ मेरी जितनी मतलब आईडी बनी है या मेरी आईडी का कुछ भी है वो इनके हाथ में है, तो एक बार के लिए समझ जाते हैं हर किसर्स करना है, लेकिन मैं फिर भी मुझे एक अंदर से डर था पता नहीं आएगी नहीं आएगी, सब कहते यार हो सकता नहीं आएगी वो कुछ भी हो सकता है, तो मुझे वो डर था, बट हाँ इन्होंने मुझसे कहा कि प्लीज़ किसी कार में फ़ोन मत दिया कर और आईडी का थोड़ा ध्यान रखा कर, अब तो वो आ गई
पर कल को कुछ भी हो सकता है ना, बट थैंक गॉड आगे इससे अच्छा और क्या हो सकता है। अब जाके मुझे अच्छा लग रहा है, वरना मेरा बिल्कुल मन नहीं था। मैं सुबह ही भाग रही थी, मैंने मुझे घर जाना है, मुठी याद घूम रही है ऐसे करके क्या था इसने। सो चलो गाइस, मैं वहाँ का तो ऐसे ही बेस्ट कैप्चर कर पाई। ये मुझसे लड़ रही थी, तूने कुछ डाला नहीं, तूने वीडियो नहीं बनाई, तूने स्टोरी तो नहीं डाली, डालती कहाँ से जब था ही नहीं फोन आईडी मेरा, क्योंकि मैं इतनी देर से चेक कर रही थी। अब शायद अब कुछ डाले, अब कुछ डाले, दूसरी आईडी पर डाल रही है स्टोरीज चेक करना, वो भी फिर अपनी अपनी डाली मुंडा ऑफ में भी मैसेज करके बता देती फिर। सो मम्मी सो रही है यहाँ पे, मम्मी पूरी रात जगी थी और मैं तो पूरी रात से दौड़ गई थी। सच्ची में मेरी बहुत सारी वीडियो थी, प्रमोशन वीडियो भी थी, ये भी रह गई, बट कोई नहीं। सबसे बड़ी चीज़ मेरी आईडी है जो कि वापस आ गई, उससे ज़्यादा कुछ नहीं यार। तो चलो गाइस, इस ब्लॉग का इसलिए मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।